नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद में जीएसटी की मार से फिरोजाबाद का बर्तन बाजार भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। धनतेरस पर्व पर बर्तन की खरीदारी ग्राहक खूब करता है, लेकिन इस बार बर्तन बेचने वाले दुकानदार बहुत ही मायूस दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि धनतेरस पर कुछ बिक्री बढ़ जाए। दीपावली पर सस्ते इस बर्तन बाजार की रौनक इस बार जीएसटी की वजह से फीकी दिख रही है। बर्तन बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक पिछली साल से काफ़ी कम हैं। इस बार दुकानदारी काफ़ी कम हो रही है। जब हमारे संवाददाता कृष्णा पोरवाल ने दुकानदारों से बात की तो क्या था उनका कहना। धनतेरस का पर्व है और बर्तन धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदे जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज हम बर्तन बाजार में मौजूद हैं। यहाँ बर्तन की दुकानें देखी जाए तो लगभग सारी दुकानें खाली ही हैं, एक आध पर एक आध कस्टमर बैठा हुआ। आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं, इस बार जीएसटी लगने के बाद क्या स्थिति है इनके व्यापार की। क्या नाम है? मेरा नाम राजू जैन। राजू जी, क्या स्थिति है जीएसटी लगने का बर्तन बाजार में? कल धनतेरस का, हाँ कल देने का प्रभाव हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन 9 साल के अपेक्षा इस साल सुस्ता काफ़ी है। जीएसटी का असर तो यही है, हालांकि जीएसटी लगा अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है, आगे चल के इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस वर्ष तो ऐसा ही रहेगा, सुस्ता ही है। मैं तेजी काफी है मालों पर। कितना टैक्स बर्तन पर लग गया? 12% टैक्स लगा इस समय। क्या उम्मीद रखते हैं कल धनतेरस, क्या लगता है? उम्मीद बढ़ गई, 12% टैक्स लगा। हाँ, तो इस वर्ष तो उम्मीद कम है और साल के अपेक्षा, बाजार स्लो रहेगा। आज एक दिन पहले आप बैठे हैं यहाँ, दुकानदारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, होती तो मैन तो धनतेरस ही है बर्तनों का, बाकी ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन काफी सुस्ता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर, हम लोग खाली बैठे हैं सब, आपने देखा ये सब ऐसा। दुकानदारों का कहना है कि ये सारे लोग खाली बैठे हैं, अभी कोई दुकानदारी नहीं हो रही। कल धनतेरस है और धनतेरस पर इन्हें देखना है कि दुकानदारी होती है या नहीं होती। अभी हमने एक दुकानदार जी से बात की थी, उनका ये कहना था कि काफ़ी महंगाई हो गई है जीएसटी लगने के बाद। आइए वहीं हम दूसरे दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? दिलीप पोरवाल जी बोल रहे हैं, राजेश्वरी गिफ्ट पैलेस, बर्तन वाली गली, फिरोजाबाद से। दिलीप जी, धनतेरस का पर्व कल है, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो अभी हो सकता है थोड़ा सुस्ता है, इसके बाद हो सकता है तेजी आएगी। नहीं, जिस तरह जीएसटी की 12% टैक्स बर्तनों पे लगा, और आप तो और भी गिफ्ट आइटम बेच रहे हैं, उसका फर्क है, नोटबंदी का फर्क है, जीएसटी का फर्क है, मार्केट में सुस्ता भी है, इधर यहाँ एक दो कांड हो गए फिरोजाबाद में, जो लोग पैसे ले लेके बैठ गए, तो उसका भी फर्क है, लेकिन देखो सब कुछ चलता है जो भी है। नोटबंदी की मार और जीएसटी लगना दुकानदारों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी। जीएसटी अच्छी है, जीएसटी का टैक्स लगना कोई बुरी बात नहीं है, अब ये सब उम्मीद पर ही कायम है कि उम्मीद जागेगी इस दीपावली पर और धनतेरस पर। शैलेश कुमार के साथ कृष्णा पोरवाल, यूपी 24 न्यूज, फिरोजाबाद। कन्हैयालाल गुप्ता, महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नदीम अहमद, वार्ड नंबर 14 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे, समाज सेविका की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद इसरार, वार्ड नंबर 59 से AIMIM पार्टी के पार्षद प्रत्याशी की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फहीम खान व पत्नी नूरी खान, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 39 की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, फिरोजाबाद की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।